अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा उसे प्यार दिया। आई फील सो ऑनर्ड जब आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, एंड देन आई फील कि ओके आई एम डूइंग समथिंग राइट। वो राइट किसी के लिए भी हो सकता है, मेरे लिए, आप सब में से किसी के लिए भी। सो आज जो ब्लॉग है वो मैं स्टार्ट करूँगी विद अ पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी इस तरह से कि जी सुबह हम उठते हैं तो थोड़ा सा है प्रॉब्लमेटिक कि जी उठो तो जी चीज़ें नहीं मिल रही, बच्चे के स्कूल पीटीएम जाना था भूल गई, और जराबे नहीं मिल रही, और आज खाना क्या पकाना है। यानी सुबह आप उठते हैं तो बहुत से हैसल्स होते हैं, तो आज मैं कुछ ऐसी इवनिंग टिप्स आपको बताऊंगी जो आप अपने रूटीन में जब ऐड करेंगे ना तो आप वो सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत फ़ायदा देंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट इज़ रिव्यू योर टुमारो स्केड्यूल। सुबह जो जो काम आपने करने हैं उसको पहले जहन नशीन कर लें, कहीं लिख लें तो बेस्ट होता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप किसी डायरी पर लिख दें कि कल मैंने क्या क्या काम करने। उससे होगा क्या कि आपको याद होगा कि मैंने ये सारे काम करने, और ये काम आप इवनिंग में कर लें, जैसे शाम को 5-6 बजे नोट डाउन कर लें कि मैंने कल क्या क्या काम करने। हो सकता है उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको बाहर से लाने वाली हो, और वो टाइम होता है उसके बाद आप जा सकते हैं, मॉल्स खुले हुए होते हैं, इसके अलावा ग्रॉसरी स्टोर्स खुले होते हैं, वहाँ से आप ला सकते हैं। तो अपने जो है ना कल की जो लिस्ट होती है या कल का जो काम होता है उसको एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर कर लिया करें। नेक्स्ट इज़, मैं ना हमेशा ये करती हूँ कि तीन जो बहुत मुझे लगते हैं ना इंपॉर्टेंट काम है और सुबह सवेरे उठ के करने वाले हैं, तो उनको ना मैं अलग रख लेती हूँ। वो एक मेरी टू डू लिस्ट होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैं सुबह उसको उठ के सबसे पहला काम मीन्स वही करना चाहती हूँ, प्रेफरेंस वही देती हूँ। तो वो जो तीन इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना उनकी एक लिस्ट अलग बना लिया करें, ताकि ये काम जो है ना आपने सबसे पहले सुबह उठ के करने। वो कोई भी काम हो सकते हैं, वो अपना बेड बनाना होता है, और अगर आप कहते हैं कि जी मेरे हस्बैंड सो रहे होते हैं तो वो काम कुछ और कर लें, जैसे आपने किचन में कोई काम करना है या बच्चों को कुछ याद दिलाना है, तो वो ही होता है कि बच्चे समटाइम्स आपके आपको बोलते हैं कि कल मम्मा स्कूल में ये होगा या सुबह हमें ये चीज़ याद दिला दें, तो वो लिख लिया करें कि ये सुबह फर्स्ट प्रायोरिटी वाले काम जो हैं वो ये मैंने ये करने। क्योंकि बच्चे जो है ना वो एज़ यू ऑल नो कि सुबह सवेरे जो है वो स्कूल जाते हैं, तो उनको ये सारे काम या बच्चों के काम या अपने काम, तीन इंपॉर्टेंट काम जो है ना वो बिल्कुल अलग कर लिया करें। नेक्स्ट इज समथिंग टू प्रेप। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने खाना बनाना है कल, उसकी हम रात को कटिंग करके फ्रिज में रख दें तो उससे फ़ायदा ही हो जाता है कि सुबह जब हम खाना बना रहे होते हैं ना तो हमारी कटिंग हुई हुई होती है। सेकंड, ये भी हो सकता है कि आपको कहीं जाना है, जैसे पीटीएम है बच्चों का और आपने जो है वो कल जाना है, सुबह उठ के परेशान फिरें, इससे बेहतर है रात को ही अपने कपड़े इस्त्री करके उसके साथ जो जूते आपने पहनने वो, या आप वर्किंग वुमेन हैं तो सुबह के कपड़े सब जूते एवरीथिंग, वो तो मुझे पता है कि सारी वर्किंग लेडीज़ करती हैं ऐसा, लेकिन वो औरतें जो कि मोस्टली घर पे होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, होम मेकर्स होती हैं, वो बाहर क्योंकि सुबह सवेरे नहीं जाती, तो अगर इन केस उनको कोई एमरजेंसी पड़ गई है या उनको कहीं जाना है तो दे कैन डू वन थिंग कि वो रात को ही उसकी टू डू लिस्ट बना लें, रात को ही अपने वो कपड़े, अपने जूते, अपना बैग, जो जो चीज़ें उन्होंने सुबह जो है वो यूज़ करनी है फॉर दैट पर्पस, वो निकाल के रख दें, ताकि सुबह जो है ना वो इतना ज़्यादा जो है वो आपको हैसल फील ना हो। नेक्स्ट इज स्पेंड 10 to 15 minutes डूइंग अ क्विक क्लीन और पिकअप। मेरी आदत है, आप लोगों ने देखा भी है, एंड थैंक यू सो मच, बहुत से लोगों ने उसको जो है वो करना भी शुरू कर दिया, इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में। रात को या शाम के टाइम जो है ना पिकअप करना शुरू करें, जो चीज़ें जैसे सरफेसेस होते हैं उसको क्लीन करना शुरू कर दें, डस्टिंग कर लें कि किसी एक जगह की, क्योंकि ये सारे काम ऐसे नहीं है कि आप सुबह के लिए पेंडिंग छोड़ेंगे। कुछ काम अगर आप शाम को कर लेते हैं या रात को कर लेते हैं, आपको नेक्स्ट डे इतना, वो कहते हैं ना पीसफुल आपका सुबह की सुबह होती है, तो रात को कुछ काम कर लिया करें। जैसे मैं रात को हमेशा अपना सोफ़ा वगैरह सारा क्लियर कर देती हूँ, अपना डाइनिंग क्लियर कर देती हूँ, किचन में जो बर्तन चर्तन रखने वाले होते हैं वो, अगर रात को किचन में मुझे काउंटर पे कुछ नज़र आता है मैं उसको क्लीन अप कर देती हूँ। तो होता क्या है कि ये शाम की रूटीन में आप
इन कुछ चीज़ों को जब डाल देंगे ना, तो सुबह बिलीव मी यू विल फील सो फ्रेश, यू विल फील कि हाँ मेरे आधे काम तो मैं रात को करके सोई थी। और अगर स्पेशली मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, लाइक 2 साल के, 3, ऑफकोर्स हर एज ग्रुप के लोग मुझे देख रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि ये अगर सारी प्रिपरेशन आप रात को कर लेंगे, जैसे बच्चों के टॉयज़ हैं मेरे घर में, तो तलाल इज़ नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद द टॉयज़, वेरी रेयरली ही इज़ प्लेइंग। तो होता क्या है कि जब मेरे बड़े बच्चे छोटे थे ना बहुत, तो मेरे घर में खिलौने वो बिखेर देते थे, और मैं तब भी उनसे कहती थी कि उठाओ ये सारे खिलौने अपने बकेट में डालो, और अगर वो नहीं करते थे या समटाइम्स यू नो बच्चे थके हुए होते थे सो जाते थे, तो मैं वो सारी चीज़ें समेट के रात को सोती थी। कभी भी अपने घर को अनटाइडी कर छोड़ के मत सोया करें। सारे खिलौने बकेट में डालें, बर्तन जितने गंदे हैं अगर सुबह आपकी मेड आती है, आप सारे बर्तन किचन के एक काउंटर पे रखें, ना के किचन के हर कोने कुदरे में आपने बर्तन रखे हुए, एक ही काउंटर रखें। जैसे मेरे घर में 3 काउंटर्स है, तो उसमें से एक काउंटर ऐसा होता है कि जिसमें मैं सारे गंदे बर्तन ले जाके रखती हूँ, फिर उसको हम वॉश कर लेते हैं, मेरी मेड आके हेल्प कर देती है। बट द थिंग इज के रात को ही अपने किचन को, अपने घर को एक दफ़ा लुक दे दिया करें। पिकअप जो चीज़ें होती हैं उठा के रखने वाली, जगहों पे रखने वाली, वो रात को ही कर लिया करें, ताकि सुबह ना सीरियसली अगर आप ये हैबिट अपनाएंगे ना, या ये अपनी इवनिंग रूटीन में अपनी साथ मींस इसमें ये ऐड कर देंगे, तो आपको इतना फ़ायदा होगा और आपकी सुबह की ज़िंदगी जो भागम दौड़ वाली होती है ना, वो बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेक द टाइम टू कनेक्ट विद योर स्पाउस। देखिए सारा दिन हस्बैंड भी ऑफिस में होते हैं, शाम का ही टाइम होता है थोड़ा सा जो कि आप अपनी फैमिली और अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करते हैं। मेरी आदत है शाम को, सुबह भी हम साथ में नाश्ता करते हैं, खाना दोपहर को भी हम साथ में खाते हैं, एंड रात शाम को ही होता है कि अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं ऑफकोर्स मैं अपने हस्बैंड, मेरे हस्बैंड ही मुझे लेकर जाते हैं। तो उस वक्त वो जो बातें होती हैं, जो हमने करनी होती हैं, जो बहुत सारे समटाइम्स होते हैं काम होते हैं जो आप बच्चों के सामने नहीं बता सकते, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो शेयर करने वाली, तो बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करनी होती है, तो वो मोस्टली मैं अपने हस्बैंड के साथ या तो शाम की चाय पे करती हूँ, या जब हम बाहर निकलते हैं अपने काम, क्योंकि मैं सुबह के टाइम कोशिश करती हूँ कि ना जाऊँ बाहर, क्योंकि फिर मेरे जो है ना वो मुझे सन एलर्जी है, तो यू नो हर इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो मुझे सन एलर्जी, मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं दिन के टाइम बाहर ना जाऊँ, तो मैं इवनिंग में ही वो सारे काम निपटा लेती हूँ, एंड वी स्पेंड अ गुड क्वालिटी टाइम टुगेदर विच इज़ वेरी गुड। अगर आप बाहर नहीं जाते तो आप अपने घर में चाय बना के अपने हस्बैंड के लिए कोई अच्छी सी अच्छा सा स्नैक बना के उनको वो टाइम उनके साथ स्पेंड करें, ताकि यू नो इसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ में बॉन्डिंग पैदा होती है, जो कि मैंने आपको बताया ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करें अपने हस्बैंड से, गिव हिम अ मार्जिन, बिकॉज यू नो टुडे दिस प्लेटफॉर्म, आज जो ये व्लॉग है, इट इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, सो थिंक पॉजिटिव, ही इज़ ऑल्सो योर हस्बैंड, ही इज़ ऑल्सो फादर ऑफ़ योर किड्स। सो शाम का टाइम अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर गुजारें, ताकि आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो। चाय बना दें, या बहुत से लोग मुझे कहते हैं मेरे हस्बैंड मूवीज देखते हैं, ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू मी, ट्राई टू वॉच मूवी। मेरे हस्बैंड मूवीज कहते हैं ना मूवी मॉन्स्टर थे, ही यूज टू वॉच मूवीज लाइक एनीथिंग। अब मुझे मूवीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, अब उनसे ज़्यादा मैं देखती हूँ उनके साथ बैठ के। देखिए एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है, नमाज पढ़ें, अपना कुरान पढ़ें, बट समटाइम्स यू नीड अ ब्रेक अपने बच्चों से, मींस घर से, तो फिर आपको एक एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। तो मेरे बच्चे जब रात को वो जल्दी सोते हैं, तो मोस्टली मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के या तो कोई मूवी देख रहे होते हैं, वो उनको मैं बोलती हूँ कि अच्छी सी मूवी देखते हैं, तो वो फिर हमें मुझे चूज़ कर देते हैं, फिर हम दोनों बैठ के साथ में मूवी देख लेते हैं। नेटफ्लिक्स पे देख सकती हैं आप, यूट्यूब पे बहुत कुछ प्रोग्राम्स देख सकती हैं। तो ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर स्पाउस और हस्बैंड, मतलब एक ही बात हुई, बट ये है कि उससे आपकी ना एक पॉजिटिविटी एंड एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होगी विद योर हस्बैंड। नेक्स्ट इज समथिंग टू इग्नोर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ चीज़ें हमें शाम को जिसकी हमें एडिक्शन होती है ना, उसको इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। उसमें सिंपल आप देखें, रात को हम दुनिया जहाँ को यहाँ वहाँ कॉलिंग करना शुरू कर देते, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, मदर, ये वो, नहीं, आप एक आध बंदे को कॉल कर लें, बट शॉर्ट कॉल करें, बहुत लंबी लंबी कॉलें ना करें, एंड हालावाल कर लें, दैट्स इट। अदरवाइज आई यूज़ टू कॉल माई मदर एवरी सिंगल मॉर्निंग, एंड आई यूज़ टू टेल हर कि आज मैंने ये पकाया, ये किया, ये किया, ये किया। अब और क्या बातें हैं, 24 घंटे की सारी स्टोरी आपने सुना दी,
सो बेहतर है कि आप एक आध दिन छोड़ के कॉल कर लिया करें और आपकी अम्मी कॉल कर लेती हैं, उनसे बात कर लिया करें, बट शॉर्ट बात कर लिया करें, बहुत लंबी लंबी कॉल्स मत किया करें। सेकंड जो चीज़ मैंने इग्नोर की अपनी लाइफ में वो था कॉफ़ी। आई यूज टू टेक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, 4 कप कॉफ़ी मैं डेली पीती थी। अब मैंने उसको कट करके सिर्फ 1 कप किया और वो भी सुबह, शाम को मैं नहीं पीती क्योंकि उसके बाद मुझे रात को जो है वो बिल्कुल भी नींद नहीं आती। सो और उसके बाद थर्ड थिंग जो इग्नोर की है वो ये है कि आई गो ऑन माई बेड ऑन अ वेरी डिसेंट टाइम, 9 बजे के करीब, 9:30, समटाइम 8:30 भी मैं बेड पे चली जाती हूँ ताकि मुझे थोड़ी देर बाद नींद आ जाए। और उसके बाद ये होता है कि मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही होती हूँ और आई रीड अ बुक और आई इग्नोर माई फ़ोन लाइक एनीथिंग, बिकॉज फ़ोन इज समथिंग विच आई फील वेस्ट योर अ लॉट ऑफ टाइम और वो आपकी आंखों पर भी असरअंदाज होता है। अगर आप रात को अपने बेड पे लेटे हुए हैं या 8-9 बजे भी अपने बेड पे लेटे हुए हैं और लाइट्स आपने ऑफ की हुई हैं और आप फ़ोन को डायरेक्टली देख रहे हैं, उससे आपकी आंखें बहुत उस पर अफेक्ट पड़ता है। तो उससे बेहतर यही है कि डिम सी साइड टेबल पे लाइट ऑन कर लें, क्योंकि ये जो फ़ोन की लाइट होती है ब्लू लाइट होती है, डायरेक्ट आपकी आंखों की तरफ जाती है। आप डिम लाइट ऑन कर लें, अपनी कोई रीडिंग कर लें, एक आध पेज पढ़ लें, कोई हदीस वाली किताब निकाल के पढ़ लें, कोई नॉर्मल मोटिवेशनल बुक पढ़ लें। आप जाएंगे आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं इस तरह की, क्लीनिंग के बारे में बुक पढ़ लें, हिंट्स एंड टिप्स के बारे में बुक पढ़ लें, बुक्स पढ़ें, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो इग्नोर करें कुछ ऐसी चीज़ों को जो कि आपका बहुत टाइम वेस्ट करेंगी इवनिंग में और आपको कल का जो मॉर्निंग है उसके लिए आपको प्रिपेयर नहीं होने देंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ऐड समथिंग रिलैक्सिंग, लाइक इवनिंग रूटीन में ऐड समथिंग जो आपको रिलैक्स करे। वो कुछ भी हो सकता है, वो शाम को आपको वॉक हो सकती है, वॉक एक्सरसाइज, ये आपको बहुत आपकी बॉडी को भी और आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है। ये नहीं कर सकती तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। आप रात शाम को जैसे मैंने आपको बताया कि कोई, मैं मोस्टली मुझे ये होता है कि मैं कोई ऐसा टीवी पे प्रोग्राम देखूं जो कि रिलेटेड हो आजकल के सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, लेकिन इस्लाम से रिलेटेड हो, ठीक है। तो बहुत से लोग निगेट करते हैं, बहुत से लोगों को देखते हैं, डॉक्टर जाकिर नायक, डॉक्टर फरहत हाशमी, डॉक्टर इसरार अहमद, एंड आजकल मैं एक और जो है वो वी कैन कॉल हिम स्कॉलर और वी कैन कॉल हिम ही इज लाइक कुरान और सुन्नत के बारे में बहुत अच्छी आपको बात बताते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली साहब, मैं उनको देखती हूँ। तो मुझे ना बड़ा रिलैक्सिंग फील होता है, स्पेशली बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि आपको कोई उनका हल नहीं बताता, तो वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। तो यूज़ यूट्यूब accordingly and try करें कि आप ऐसी चीज़ों को देखें जो आपके माइंड को रिलैक्स करें, जो आपको रिलैक्स करें, जो आपको फील हो कि हाँ अब मुझे जो है ना इन चीज़ों को देखने के बाद, सीरियसली इनको देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मे बी कुछ लोगों को म्यूज़िक अच्छा लगता हो, आप म्यूज़िक सुन लें, इट्स नॉट अ बिग डील। आप लोग करें जो आपका अपना, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको फील हो कि मेरे माइंड को रिलैक्स कर रहा है ना, गो फॉर इट। उस चीज़ को करें जिसमें आपका माइंड और आपका दिल जो है ना वो खुश होता है। थिंक इनकरेजिंग एंड अपलिफ्टिंग, बिलीव मी ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना पावरफुल पॉइंट है। इसमें रात को आप अपने दिन का आगाज नमाज से करते हैं तो अपनी रात का भी जो है वो इख्तिताम नमाज से करें। तो नमाज पढ़ के कोई भी हदीस की बुक की उसी से एफिलिएटेड है जो कि लास्ट पॉइंट था। आपको जो है कोई तलावत सुनना अच्छी लगती है, आप वो सुन सकते हैं ताकि आप जो है ना एक तो रिलैक्स हो माइंड, दूसरा आप ना सीरियसली ये चीज़ें आपको बहुत बूस्ट करती हैं। तर्जुमा सुन लें, तर्जुमा पढ़ लें, थोड़ी सी तफसीर पढ़ लें, उससे क्या होगा कि आपको खुद फील होगा कि ये चीज़ें मुझे बूस्ट करती हैं एंड अल्लाह मेरे साथ। ये चीज़ जब आपको फील होगी ना कि अल्लाह मेरे साथ है, हमने कुरान पाक को अपनी फैमिली अपने लाइफ से ना बस सिर्फ उसको गिलाफ चढ़ा के रखा हुआ है, तो उसको गिलाफ से निकालें एंड डोंट पुट अ डस्ट ऑन इट, डोंट लेट एनी डस्ट ऑन इट। उसको रीड करें डेली बेसिस पे, हर घर में कुरान पाक शुड बी ओपन एवरी डे। नमाज तो हम पढ़ते हैं, कुरान पाक को भी पढ़ना शुरू करें, और नहीं तो 3 आयात की ना तर्जुमा एंड तफसीर पढ़ लें, दैट्स इट। सिर्फ अगर दिन में रात के टाइम आप ये करेंगे तो आपको इतना अच्छा फील होगा, आपको ऐसा फील होगा कि मैं अल्लाह से बात कर रही हूँ, सो या अल्लाह मुझसे बात कर रहा है। सो इट्स बेटर कि रात के टाइम ना अपना टाइम इस तरह से यूटिलाइज किया करें।
हाँ जी, तो उम्मीद है कि ये जो जितने 8 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, अगर आप आज से अपनी लाइफ में एक एक भी ऐड करना शुरू करती हैं ना, जो कि आप फील होता है कि ये मैंने ऐड नहीं किया हुआ, तो यू विल फील सो गुड, सीरियसली यू विल फील सो गुड। तो अब मैं बात करती हूँ आज के ब्लॉग की। आप देख रहे होंगे कि मेरा सामान किधर जा रहा था। हाँ जी, मेरा बहुत ओल्ड सामान था, मैंने उसको डिस्कार्ड करना था। एंड वो मैंने अपने ट्रॉली भी देखी, वो भी चली गई। मेरी बेटी का बेड भी चला गया, मेरे जूतों की जिसमें मैं जूते रखती थी, हम बैठते थे ऊपर बैठ के जूते पहन सकते थे, वो भी मैंने डिस्कार्ड कर दी। मेरे ओल्ड टेबल्स थे जो कि आपने देखा होगा, मेरे सेंटर टेबल था वो, उसके साथ के दो साइड टेबल्स, उसको भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक पाइपलाइन में मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं। आप लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि आप अपना हाउस टूर दें, वो इंशाल्लाह ताला मैं तब दूंगी जब मुझे फील होगा कि मेरा घर मेरे अकॉर्डिंगली जो है वो सेट हो गया, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे सही करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज चली गई थी। इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर यू विल सी सम न्यू स्टफ़, बट वो कुछ दिन लगेंगे उनको। तो ये है कि बेटी का बेड वगैरह मुझे नया बनाना होगा, उसका मुझे डिज़ाइन वगैरह मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब बस वो कहते हैं ना कि बनने की बात है, उसको लगेगा टाइम, कम अज कम वो 15 दिन तो लग ही जाएंगे जब तक उसका बेड बन के आता है। लेट सी अब का उस पर है शॉपकीपर पे कि कब जब बना के दे देता है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गोइंग अकॉर्डिंग टू मी। आपने देखा कि घर बिखरा हुआ था, अभी मैं समेट रही थी, और दूसरा मैंने एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र लिया है, और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये सिर्फ तारों के लिए, तो मेरी आपको पता है मैंने तारें कितनी बहुत निकाली थी, तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगवाया हुआ था, तो इसको भी मैं जगह पर संभाल के रख रही थी, और इसके अंदर बहुत सारी तारें आ जाती हैं, और ये मैंने शाकिर कलेक्शन से मंगवाया है, इट्स अ वेरी गुड साइट, वहाँ जाके आप बहुत कुछ मंगवा सकते हैं वहाँ से। तो ये जो है तारे शारे मैंने सारी आज समेट ली थी, और ये इवनिंग का ही टाइम है, आप लोग देख सकते हैं पूरा टेबल बिखरा हुआ था क्योंकि वो बहुत सा सामान निकला था, तो वो सारा सामान मुझे था कि मैं इसको जगहों पे रख दूँ। तो ये टेबल जो है वो मैंने क्लियर कर दी, क्लीन कर दी, साफ़ कर दी, और बस सुबह से लेके ये मैं सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन मैं इवनिंग तक जो है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये था मेरा आज का सारे दिन का व्लॉग, और सारे दिन की वो शाम की बहुत ही पॉजिटिव बातें जो आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगी, आपकी नेक्स्ट डे की एनर्जीज को बूस्ट करेंगी। होप आप लोग जो है ना इन सारे पॉइंट्स पे अमल ज़रूर करेंगे, और इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करेंगे, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। शाम को मेरी आदत है, मैं अपने बेडरूम में या अपने लिविंग एरिया में जो है ना कैंडल ज़रूर ऑन करती हूँ। ये कैंडल मैं बहरीन से लेकर आई थी, आइकिया से, इसकी बहुत अच्छा फ्रेगरेंस है, तो बहुत अच्छा सा अरोमा आ जाता है, तकरीबन कोई 8 बजे का टाइम होगा। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग जो है वो अच्छा एंड प्रोडक्टिव लगा होगा। सो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। Take care and Allah Hafiz.